तो हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि हेडोस 380 क्रिकेट गेम आपको कब तक देखने को मिलने वाला है प्ले स्टोर के ऊपर, और साथ में हम ये भी बात करेंगे कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर वगैरह कब तक आने वाला है। साथ में कुछ फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूं विद प्रूफ के साथ, आपको बताने वाला कि ये जो गेम है काफ़ी जल्द लॉन्च होने वाला है। मेरे पास एक प्रूफ आ चुका है, तो मैं प्रूफ आपको दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में, जैसा कि इन्होंने खुद कंफर्म कर दिया कि आपको हेडोस 380 क्रिकेट गेम के अंदर मैथ्यू हिडन की कमेंट्री देखने को मिलने वाला। एक छोटा सा इन्होंने ऑफिशियल प्रोमो भी लॉन्च किया है, वहाँ पर आप वो उसके ऊपर मैंने वीडियो आपको ऑलरेडी से बनाकर बता दिया कि मैथ्यू हिडन जो क्रिकेटर है उसकी ऑफिशियल कमेंट्री यहाँ पर, यानी कि उनकी आवाज़ में आपको हेडोस 380 क्रिकेट गेम में देखने को मिलने वाला है। जैसे WCC3 गेम के अंदर मैथ्यू हिडन की कमेंट्री देखने को मिलती है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको हेडोस 380 क्रिकेट गेम में भी आपको इंग्लिश कमेंट्री देखने को मिलने वाली है। इंग्लिश कमेंट्री आपको मैथ्यू हिडन के देखने को मिलने वाले। तो अगला जो फीचर है इंप्रूव गेम प्ले ग्राफिक, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ये जो डेवलपर है हेडोस 380 गेम जो तैयार कर रहे हैं, उनका नाम है, उस कंपनी का नाम है क्रिएटिव मंकी गेम। उनका पहले से भी एक गेम है WCB2, तो वहाँ पर उसका गेम प्ले और ग्राफिक बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन अगर गेम प्ले और ग्राफिक अच्छा नहीं हो तो ये गेम बिल्कुल वहाँ पर जो है अच्छा नहीं कर पाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर इसका ग्राफिक और गेम प्ले अच्छा हो गया यहाँ पर हेडोस 380 क्रिकेट गेम का, तो ये जो गेम है काफ़ी हद तक जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है प्ले स्टोर के ऊपर। और हो सकता है कि ये बड़े बड़े गेम लाइक WCC3, रियल क्रिकेट 20 या 21 इनको टक्कर दे सकता है अगर इसका गेम प्ले और ग्राफिक अच्छा हो गया, क्योंकि बाकी तो सब कुछ अच्छा होने वाला है क्योंकि मैथ्यू हिडन की कमेंट्री देखने को मिलने वाले है। तो हो सकता है इसमें ग्राफिक और गेम प्ले पूरी तरीके से चेंज देखने को मिल जाए। तो अब हम बात करें कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब तक देखने को मिलने वाला है। तो इसका जो ऑफिशियल छोटे छोटे पोस्ट वो अपने सोशल मीडिया पेजेस पर कर रहे हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल ट्रेलर अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो इसका ऑफिशियल ट्रेलर जो कि काफ़ी जल्द देखने को मिलने वाला है। तो हम बात करें कि ये जो गेम है कब तक देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको मैं प्रूफ दिखा देता हूँ कि ये जो गेम है कब तक देखने को मिलने वाला है आप लोगों को। तो मैंने इनकी ऑफिशियल साइट पर जाकर सर्च किया है, आप भी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं hedos380.com, तो वहाँ पर आपको इनकी साइट देखने को मिल जाएगी सबसे ऊपर में, वहाँ पर आप खुद भी जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर देखिए अभी 15 दिन 17 आवर्स और 2 मिनट, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये जो गेम देखने को मिलने वाला है। तो आज 14 अप्रैल हो चुके हैं, तो आपको लगभग कुछ दिन के अंदर अंदर, यानी कि 15, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 29 अप्रैल को ये जो गेम है यहाँ पर देखने को मिलने वाली है इस साइट के दौरान। लेकिन ये ऊपर नीचे हो सकता है, मेरे कहने का मतलब कि पूरा कंफर्म नहीं है कि 29 अप्रैल को ये आपको गेम देखने को मिल जाए, लेकिन इस साइट पर ऐसा बोला जा रहा है। जब से इस गेम का अनाउंसमेंट हुआ तभी से इसी साइट पर जो है वो काउंटडाउन चालू हो चुका है, यानी कि 29 अप्रैल को ये जो गेम आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन एक दो दिन ऊपर हो सकते हैं क्योंकि गेम प्ले ग्राफिक वगैरह चेंजेस होने वाले हैं, तो गेम प्ले एक गेम बनाना कोई आसान बात नहीं है। तो एक दो दिन ऊपर हो सकते हैं, ज़्यादा ऊपर तो नहीं होगा, लगभग 1 वीक ऊपर हो सकता है, यानी कि मई के स्टार्टिंग में आपको ये जो गेम है 110% देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज का वीडियो को यहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।